प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। आप यूं कहो कि ब्रह्मा जी ज़्यादा सुखी हैं, आप यूं कहो कि देवताओं के राजा इंद्र बहुत सुखी हैं, आप यूं कहो कि इंद्र से मरुद्गणों को ज़्यादा सुख है, मरुद्गणों से बृहस्पति को ज़्यादा सुख है, बृहस्पति से ब्रह्मा जी को ज़्यादा सुख है, तब भी वो ब्रह्मा जी भी नाश को प्राप्त होते हैं। धरती रसातल को चली जाती है, प्रलय में कुछ भी नहीं बचता, धरती रसातल को चली जाती है, ब्रह्मा जी भी नाश को प्राप्त होते हैं, तब भला इस नाशवान संसार में नित्यता किस वस्तु की मानी जाए? नित्य कौन है? तो जो ब्रह्मा जी अपने ब्रह्म तत्व को जानते हैं वो सदैव नित्य है, वो नाश को प्राप्त नहीं होते। जिस पर अधिकार ब्रह्मा जी का बराबर है और मनुष्यों का भी बराबर है। वरना सुमेरु पर्वत राई के दाने जितना भी कोई टिकाना चाहे तो टिक नहीं सकता। धरती को कोई कितना ही पुण्य प्रदान करे, एक जैसी नहीं रह सकती। ब्रह्मा जी कितना ही चाहे कि मेरा पद एक जैसा बना रहे, तो वो ब्रह्मा जी भी अपने पद को कायम नहीं रख सकते। ऐसे ब्रह्मा जी भी नाश को प्राप्त होते हैं। ऐसी पृथ्वी भी रसातल को चली जाती है। सुमेरु पर्वत जैसे सुमेरु पर्वत भी राई के दाने जितना भी नित्य नहीं है और टिक नहीं पाते, तब आप लोगों की तो क्या बिसात। इसलिए जीवन को, जन्म को, संसार को नाशवान समझते हुए आत्मा से प्रीति करनी चाहिए। जो नाशवान, जो परिवर्तनशील है वो नाश होता है, जो नाश है होता है वही असत होता है। तीनों का कैटेगरी एक है। शरीर और संसार की जात एक है, आत्मा और परमात्मा की जात एक है। शरीर बदलता है, हाँ बदलता है ना, इसीलिए बचपन से जवानी आई, जवानी से बुढ़ापा आया, बुढ़ापे से फिर मृत्यु आई, फिर मृत्यु से दूसरा शरीर आया। तो शरीर बदलता है, शरीर का नाश होता है, तो जो बदलता है उसी का नाश होता है। नाश होता है तभी बदलता है। एक चीज़ बीज नाश होता है तभी वृक्ष होता है ना। अगर वो बीज बीज बना रहा तो वृक्ष नहीं बन सकता। तो ऐसे ही शरीर यदि बचपन बरकरार रहा तो जवानी नहीं आ सकती, जवानी बरकरार रही तो बुढ़ापा नहीं आ सकता। तो नाश को प्राप्त होता है तभी तो परिवर्तन होता है। तो शरीर की जात और संसार की जात एक है। संसार भी परिवर्तनशील है, नाशवान है और असत है। संसार भी परिवर्तनशील है, नाशवान है और असत है। तो शरीर की जात और जगत की जात एक है, आत्मा की जात और परमात्मा की जात एक है। जगत समष्टि है और आपका शरीर व्यष्टि है ना। जगत समष्टि है मतलब व्यापक है, उसका एक अंश व्यष्टि बोला जाता है जो आपका शरीर है। तो एक शरीर और जगत के शरीर, शरीर का निर्माण और जगत का निर्माण एक जैसा है। परमात्मा समष्टि है तो उसका आत्मा व्यष्टि है। परमात्मा व्यापक है ना, आत्मा आपके अंतःकरण में स्थित है, आपके एक शरीर में। मेरा आत्मा गवाह नहीं देता, मेरा आत्मा दुखी सुखी हो रहा है। मरने के बाद आप कहते हो आत्मा शांति को प्राप्त करे, वो आत्मा क्या है? तो ब्रह्मा परमात्मा समष्टि है, आत्मा व्यष्टि है। आत्मा और परमात्मा की जात एक है, जो कभी नाशवान नहीं है, परिवर्तनशील नहीं है और असत नहीं है। सदैव सत्य स्वरूप है, अपरिवर्तनशील है और नित्य है।
तो जैसे शरीर बदलता है वैसे जगत भी बदलता है। जैसे शरीर नाश को प्राप्त होता है वैसे जगत भी नाश को प्राप्त होता है। जैसे शरीर असत है वैसे जगत भी असत है। तो जगत की जात और शरीर की जात एक है, आत्मा की जात और परमात्मा की जात एक है। जिस सुख को आप चाहते हैं वो अगर इस जन्म में नहीं है, आप कहोगे मैं पूर्व जन्म में एक पाप करिया है एटले मने आ दुख मिल्यू, तो इस जन्म में आप हो और पूर्व जन्म में आप थे, है ना? ठीक है, चलो आप ये बात को मानते हो कि पूर्व जन्म में मैं था, मरी जाऊ तो मन था शांति था, भगवान मुक्ति आपी देन तो सारू, मरी तो शरीर जैसे पची मुक्ति को ने मले, मतलब कि आप पहले भी थे अभी भी हो और मरने के बाद जो शांति प्राप्त करेगा वो आत्मा आपका रहेगा। ये तो आप मानते हो पर जानते नहीं हो। मानते तो हो तभी तो कहते हो ना कि हे भगवान मरी जाऊ तो शांति थाय। मरी जाऊ कौन शांति थाय, तमें तो मरी गया पची कौन है शांति कौन है थाय, मैं मर जाऊंगा तो शांति हो जाएगी, ये इस जन्म से तो छुटकारा मिलेगा। बहुत वृद्ध वृद्ध लोग ना बहुत जब शरीर से कष्ट पाते हे भगवान मने उपाड़ी ले तो बीजो जन्म थाय, है ना, सुना होगा ना आपने, हे भगवान मन उपाड़ी ले तो मन शांति थाय, आ तो छोकरा वो आ तो बापा केवी जिंदगी, तो छोकरा वो पूछता नहीं बैराव ना थी गया आजकल कशु छे नहीं, भगवान उपाड़ी ले तो शांति थाय, कोने शांति थाय, हे भगवान आवता जन्म में मन आऊ न देखाड़ी शा, हाँ ए भगवान मैं जे करू करू मारा पापनू आ जन्म में बधु पूरू कर दे, आवता जन्म में आऊ न देखाड़ तो कोण, आवता जन्म में कोण रहेवानू, आप मर जाओगे शरीर आत्महत्या कर लेगा शरीर का नाश हो जाएगा फिर कौन रहेगा, फिर भी कोई रहेगा। इस बात को आप स्वीकार करते हो, जिस बात को आप स्वीकार करते हो वही आपका आत्मा है जो पहले था बाद में रहेगा और आज भी है, ये सनातन है और इस सनातन सत्य को आप स्वीकार करते हो। मरी जाऊ तो शांति था, पहला जन्म माँ पाप कराया था कि पुण्य कराया था, हाय 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 हमें वाड़न तो चार चार गाड़ी अने ये बे बे छोकरा चार छोकरियों, अमर तो एक के नहीं एक के गाड़ी नहीं एक के छोकरो नहीं, बाप केवा पुण्य कराया शेण, मतलब आप केवल अपनी आत्मा को नहीं दूसरा भी आत्मा ही है उसको स्वीकार करते हो ना, है ना, वो पूर्व जन्म में वो आत्मा ही है, आज का शरीर केवल ये है, पर इन्हें कया जन्म ना पुण्य कराया लागे। बहु अमारा मैम के बच्चे के बहु ठंडा माटला दान करिया हो इन्हें एटले बधा सुख मळे, मतलब आप पहले थे और पहले आपने कुछ दान किया था शरीर रूप में, ये स्वीकार करते हो। तो अगर ये बात सत्य है, अभी हम दूसरे टॉपिक पर जाते हैं, अगर ये बात सत्य है कि मैंने पहले कुछ पुण्य किए हैं या पाप किए हैं, इसका मतलब आज कोई पुण्य और पाप करोगे तो अगले जन्म में काम लगेगा ना, इसीलिए भी आज दान पुण्य करना चाहिए क्योंकि आप अपने अस्तित्व को स्वीकार करते हो। पर हम अभी बात कर रहे हैं आपके होनेपन की, आपके अस्तित्व की, किसके अस्तित्व की, शरीर के अस्तित्व की नहीं। शरीर परिवर्तनशील है, नाशवान है और असत है, तभी बदलता है तभी नाश प्राप्त होता है, इसलिए असत है। जगत जहां आप अभी बैठे हो वहां पहले बैठने की जगह नहीं थी, यहां पहले जल था, आज ये स्थल है, आज वहां जल है कल वहां पर स्थल होगा, जल कहीं और होगा, तो परिवर्तन है ना, भूगोल में भी भौगोलिक परिवर्तन है, तो जगत में परिवर्तन है, जहां परिवर्तन है वहां नाश, जहां नाश असत्य। तो
तो जगत भी बदलता है, शरीर भी बदलता है, आत्मा नहीं बदलता, वैसे परमात्मा भी नहीं बदलता। तो आप ये स्वीकार करते हो ना कि मेरे को पहले पुण्य थे या पाप थे, आवता जन्म मम ने सुख मल से, मतलब आप अपने आत्मा की स्वीकृति तो देते हो, बस केवल शरीर से ममत्व और आसक्ति हो जाती है तो अपना आत्मा क्या है वो भूल जाते हैं, उसमें ठहरने का यत्न ही का नाम सत्संग है, उसी का नाम ज्ञान है। पता है, सब पता है, पर अनुभव में नहीं, इसलिए तो सनातन वस्तु में परिवर्तन नहीं होता, सनातन बदलता नहीं, सनातन सत्य रहता है, सनातन एक जैसा रहता है। अच्छा, ये भी सनातन है, जिसको भी शांति की चाहना हो उसे सत्संग को जरूर सुनना चाहिए। ये सतयुग में भी सत्य था, त्रेता में भी सत्य था, द्वापर में भी सत्य था और कलयुग में भी सत्य है। गुरु के बिना गति सतयुग में भी नहीं थी, द्वापर में भी नहीं थी, त्रेता में भी नहीं, कलयुग में भी नहीं। सतयुग में भी शिष्य को गुरु की शरण जाना पड़ता था, तो द्वापर में भी भगवान को शरण जाना पड़ा, तो त्रेता में भी जाना पड़ा, तो अभी भी जाना पड़ता है। ये सनातन है, ये परंपरा सनातन है। तो हम शरीर के द्वारा कर्म करें, खाएं, पिएं, चलें, फिरें, बोलें, पर हम क्या है उस पर विचार भी करें कि ये जो खा रहा है या जो सो रहा है या जो बात कर रहा है या जो बोल रहा है या जो मजाक कर रहा है या जो मस्ती कर रहा है या जो सीरियस है या जो दुखी हो रहा है या जो सुखी हो रहा है, वो क्या, कौन हो रहा? शरीर हो रहा है। मैं तो अनादिकाल से हूँ ना, मेरा हम ढांचो बदलाई गयो, पर यानी अंदर बैठे लो तो नहीं बदलायो ना। ढांचो बदलावा थी शू था, सूर्य की रोशनी कटोरी के उस पर पड़े या चम्मच के जल पर पड़े या थाड़ना जड़मा पड़े, सूर्य नहीं बदला तो ना, पात्र बदला है। तो आप भी पात्र बदलता है, आत्मा नहीं बदलता। पात्र बदलने से आत्मा को फर्क नहीं पड़ता। तो तुम्हारू पात्र पहला का एक बीजू हो तो कुछ और थे आप, अभी कुछ और हो, बाद में कुछ और होंगे, तो पात्र बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आत्मा वही का वही है। इसीलिए विकार विचार वृत्ति हम अपने में मान लेते हैं ना, इसलिए दिक्कत है। सुख और दुख अपने में मानते हैं तभी हम परेशान होते हैं, जब अपने में माने ही नहीं। आत्मा तो सदा सुखी है, पात्र बदला है तो एम जड़ थोड़ू आमतेम थाय शू फर्क पड़े। सूर्य तो नहीं डगमगतो ना, सूर्य तो हिलता नहीं है ना, बस